नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा की सभी शुगर मिल फैक्ट्रियों का और मिलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश के में गन्ने की बढ़ती पैदावार को देखते हुए सभी सरकारी शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है, जिसमें गन्ने की पिराई और रिकवरी समय पर होगी। इस पर सरकार की 1100 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। यह जानकारी चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि शाहबाद में सरकारी चीनी मिल में 60 किलोलीटर प्रति दिन क्षमता का एथेनॉल प्लांट लगाने की परियोजना है। इसी प्रकार सोनीपत में सहकारी चीनी मिल की वर्तमान पिराई क्षमता 1600 टीसीडी को बढ़ाकर के 2200 टीसीडी किया जाएगा। पानीपत चीनी मिल में स्थानांतरण, आधुनिकीकरण, बिजली संयंत्र और एथेनॉल प्लांट की स्थापना की परियोजना जो है उस पर कार्य चल रहा है। इसके बाद मिल की पिराई क्षमता 5000 टीसीडी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि डाहर पानीपत चीनी मिल आगामी पिराई सीजन से शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी सहकारी चीनी मिलों द्वारा सीजन 2017-18 में अब तक कुल 5,00,000 क्विंटल गन्ने की पिराई की गई है, जबकि पिछले साल 369,00,000 किलो क्विंटल गन्ने की पिराई की गई थी। उन्होंने बताया कि सहकारी चीनी मिलों का सीजन 2017-18 की गन्ना राशि का भुगतान किसानों को डिजिटल पेमेंट द्वारा किया जा रहा है। पिछले हफ्ते 200 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और शेष 110 करोड़ रुपए जल्द ही दे दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं चंडीगढ़ पलपल से ये खास रिपोर्ट। हैफेड बहुत बड़ा एक हमारा विभाग है। पहली बार हरियाणा सरकार ने नेफेड से हैफेड 2.75 लाख मैट्रिक टन सरसों हमने खरीदी है, जिसका 4000 रुपया रेट है। और हैफेड ने खुद अपने विभाग के लिए 36,940 मैट्रिक टन ये लिया है। इससे पहले किसी भी सरकार ने कभी भी सरसों नहीं खरीदी। सूरजमुखी भी 2018-19 के अंदर 4100 के हिसाब से 4926 मैट्रिक टन। मेरे हरियाणा रोहतक के अंदर मेगा फूड पार्क रोहतक बढ़ने जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 180 करोड़ है, जो 50 करोड़ का ग्रांट हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से और इसके 80 प्लाट हैं और इसमें कम से कम 1500 नौजवानों को डायरेक्ट इसका रोजगार मिलेगा और 5000 के करीब इसकी इंडिकेटरी रहेगी।